नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरह का डिज़ाइन क्रोशेट डिज़ाइन बनाएंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसे हम टेबल रनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस डिज़ाइन से हम अपना कोई भी स्वेटर, कार्डिगन या जो हम जिस प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ करना चाहें, डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। इससे मफलर भी बहुत अच्छा बनेगा। यदि आप ये वाला डिज़ाइन डाल के स्कार्फ या मफलर जो भी आप बनाना चाहें, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको देखिए जी, मैंने यहाँ से शुरू किया। इसको मैंने 6 के मल्टीपल इसमें चेन रख के और ये डबल क्रोशेट की एक लाइन कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने इसमें 6 डबल क्रोशेट इधर और 6 डबल क्रोशेट इधर, इन दोनों साइडों में 6 डबल क्रोशेट का डिज़ाइन, ये बॉर्डर छोड़ा है इसमें, इस साइड में। और बीच में ये जो यहाँ से है, यहाँ पे मैंने इसमें नीचे 5 डबल क्रोशेट छोड़े हैं और उसके बाद एक में से ये 4 डबल क्रोशेट बनाए हुए हैं। इस तरह से ये 6 के मल्टीपल चलेंगे और इसमें एक फंदा कम रहेगा क्योंकि हमारा ये इधर आके, ये देखिए इधर से ये सिर्फ 5 होंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम इधर किनारे पे ये वाला पोर्शन नहीं बना रहे हैं और इसको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो यदि हम 6 के मल्टीपल लेके चलेंगे, मान ले इसमें जैसे मैंने 60 डबल क्रोशेट रखे हुए, तो 60 से एक कम यानी 59 डबल क्रोशेट इसमें रखेंगे और 60 मैंने इसमें चेन रखी हुई है। चेन का हम ऐसा है, यदि चेन फालतू हो जाती है तो हम उसको खोल देते हैं। लेकिन इसको देखिए जी, इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए इसको ऊपर ले जाके मैंने इसको यहाँ से बंद किया है। बंद भी उसी तरीके से किया हुआ है ये डिज़ाइन जिस तरीके से शुरुआत की थी। ये इसमें मेथड है ये कि हमने यहाँ से ये 6 लिए थे डबल क्रोशेट ये वाले, और 6 ही डबल क्रोशेट हमने यहाँ लेके इसको ख़त्म किया है। आइए जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहले अपना क्रॉस लेंगे इस तरह से। अब हमने इसमें चेन बनानी है, 3, 4, इसमें हम 6 के मल्टीपल चेन बनाएंगे इस तरह से। अब मैं आपको चेन बना के और फिर दिखाती हूँ। हमने चेन बना ली इसमें, इसको अब हमने इधर से बल लेना है, यहाँ से 1, 2 और 3, 3 चेन छोड़ के, और उसके बाद हमने चौथी चेन में से यहाँ से डबल क्रोशेट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ से इसको डबल क्रोशेट करते जाएंगे, ये ऐसे, ये देखिए, ये इधर से होता हुआ आगे चलेगा। अब मैं आपको ये पूरी लाइन डबल क्रोशेट की बना के और उसके बाद फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, ये हम मैंने इसमें 60 डबल क्रोशेट कर लिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं इसमें शुरू करूँगी इसको। देखिए, इसको मैंने ये 3 चेन ली हैं इसमें यहाँ से, और अब बल लेके मैं इसको छोड़ दूँगी और यहाँ से इसको डबल क्रोशेट करूँगी। ये लगातार मैं 6 डबल क्रोशेट करूँगी इसमें। ये बॉर्डर है किनारे का, 4 और 2, 6, ये 6 हमने बॉर्डर बना लिया इसका। बॉर्डर बनाने के बाद हम इसको इसमें चेन लेंगे, 1, 2, 3, 3 चेन ली मैंने, बल लिया, और यहाँ से अब नीचे से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशेट छोड़ दिए हमने। छठे वाले में से हमने इस तरह से 1 डबल क्रोशेट, ये हम इकट्ठे 4 इसी में से लेंगे, एक में से ही डबल क्रोशेट लेंगे, ये 2 होगी, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट ऐसे। अब ये पूरी लाइन हम इसी तरह से बनाएंगे, 3 चेन, नीचे से हमने 5 छोड़ने, 1, 2, 3, 4, 5, छठे में से हमने एक में से ही 4 डबल क्रोशेट करने, पहले 2 डबल क्रोशेट इकट्ठे इसी में से, फिर 1 चेन, फिर बल लेके और 2 इकट्ठे डबल क्रोशेट। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बन गया। यहाँ पे 3 लिए हमने, एक और लेना है, यहाँ एक और डबल क्रोशेट करेंगे यहाँ पे ऐसे। और अब मैं 1, 2
और तीन, तीन चेन ली बल लेके, और यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छठे, छठे में से इस तरह से एक दो, ये हमारा पहले तो हमने ये इधर से एक किनारे का बॉर्डर बनाया था, अब हम यहाँ से दूसरी किनारे का बॉर्डर बना रहे हैं। इस तरह से ये बॉर्डर बनेगा हमारा, ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। इस तरह से दो लाइनें कंप्लीट कर ली हमने, अब हम इसमें तीसरी लाइन शुरू करेंगे डिज़ाइन की। वैसे इसमें ये चौथी लाइन है, नीचे से देखें तो बॉर्डर स्मित, अब यहाँ से घूम गए हम एक दो और ये तीन चेन लेके हमने ये अगली लाइन शुरू करनी है। इसमें हम वैसे ही लेंगे छः डबल क्रोशेट इस तरह से, हमने इसमें डिज़ाइन हमारा ऐसे, हमने ये छः डबल क्रोशेट कर लिए। अब हमने क्या करना है, देखिए एक चेन लेंगे हम नीचे से, यहाँ से तीन चेन लेके इसमें कर रहे थे, अब हमने ये एक चेन लेनी है। और अब ये जो हमारी नीचे वाली चेन है देखिए एक दो और तीन, इसमें जो दूसरे नंबर की चेन है इसमें से हम इस तरह से लेंगे इसको, और यहाँ से इसको सिंगल क्रोशेट करते ना निकाल के इस तरह। अब हमने एक चेन ले ली, बल लिया, अब फिर से यहाँ पे चार, वैसे एक दो एक चेन और दो डबल क्रोशेट इस तरह से। अब देखिए अब फिर हमारी दूसरी डिब्बी शुरू होएगी, इसको अब हमने इस तरह से करना है। ये देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आ गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने ये लास्ट में आए हैं किनारे पे, तो अब हम यहाँ से फिर वैसे ही करेंगे, एक चेन लिए मैंने यहाँ और इसको अब मैं यहाँ से बीच वाली ये तीसरी जो बीच में है हमारा, इसमें से दूसरी चेन में से इस तरह से लेके और ये सिंगल क्रोशेट कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया इन्हें। और अब फिर एक चेन ले ली, बल लिया मैंने, और अब मैं यहाँ से इसको एक दो तीन चार पांच और ये हमारा छठा, इस तरह से आ गए हमारे। अब हम घूम गए, अब हमने फिर से वैसे ही शुरू कर देना जैसे हमने पहले उससे लाइन से शुरू किया था यहाँ से। अब हमने फिर से वैसे ही इसको करना है, देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमने फिर से वैसे एक दो तीन, ये डिज़ाइन हमारा फिर से रिपीट हो गया, और यहाँ से ये चार डबल क्रोशेट। अब मैं आपको ये थोड़ा सा डिज़ाइन बना के इसका एंड बताती हूँ कि एंड में हम इसको ख़त्म कैसे करेंगे। ये हमारा इस तरह से बन गया, देखिए अब इसको मैंने ये कंप्लीट कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं मैं बनाऊंगी। अब देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की थी, पांच ये नीचे के डबल क्रोशेट छोड़े थे और उसके बाद एक में से हमने चार बनाए थे, तो अब हमने यहाँ पे देखिए इसको ख़त्म कर रहे हैं हम, ये कंप्लीट कर लिया मैंने, इसके इससे आगे नहीं ज़्यादा बनाऊंगी मैं। और इसके लिए अब मैंने ये बॉर्डर के छः डबल क्रोशेट कर लिए और सिक्स डबल क्रोशेट, और अब मैं इसमें फाइव चेन लूँगी, एक दो तीन चार पाँच, फाइव हो गई। और देखिए ये यहाँ से जैसे हमने सिक्स करे थे कि फाइव छोड़े और एक में से ये किया, यही सिक्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए अब फाइव चेन ले ली मैंने, और अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी ऐसे। अब मैं फिर से ऐसे एक दो तीन चार पाँच और यहाँ से ये स्लिप स्टिच, एक दो तीन चार पाँच और यहाँ से ये स्लिप स्टिच इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे दिखाई देगा। अब हमने ये कंप्लीट मैं यहाँ तक करूँगी इसको, एक दो तीन चार पाँच और ये यहाँ से स्लिप स्टिच, एक
दो तीन चार पाँच और ये स्लिप स्टिच इस तरह से एक दो तीन चार पाँच और ये स्लिप स्टिच तीन चार पाँच और ये यहाँ से स्लिप स्टिच। अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ से हम बल लेके और इसको ये जो छह बॉर्डर के हैं उसको ऐसे ही बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः, सिक्स हो गए हमारे कंप्लीट। अब ये हमारा डिज़ाइन भी पूरा होने को है, बस ये लास्ट है इसकी रो। अब हमने ये यहाँ से फिर से वैसे तीन चेन और फाइव डबल क्रोशेट, तीन और ये कंप्लीट हो गया हमारा बॉर्डर का साइड का। और अब देखिए जी हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमारे पांच चेन है यहाँ, और अब हमने बल लेना है। ये देखिए इसमें उल्टी साइड से लें या सीधी साइड से लें, जैसे आपको सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है वैसे लें। बस यहाँ से हमने ये पांच चेन ली है तो हमने पांच डबल क्रोशेट करने हैं, एक दो तीन चार और ये हमारा यहाँ से पांच इस तरह से। और ये जो स्लिप स्टिच है इसमें से हमने यहाँ से देखिए ये ऐसे दिखाई देगा, ये इसको हम यहीं से ले लेते हैं। चलो एक ही बात है, जैसे हम हमें सही लगे उस हिसाब से ले लें। आगे हमने फिर से वैसे एक दो, बस ये जैसे हमने यहाँ से छः बनाए थे कंप्लीट किए थे वैसे ही हम यहाँ से छः बना लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके ऊपर एक लाइन बनाएं या ना बनाएं ये एक जैसा ही दिखाई देगा इधर से भी और इधर से भी। उम्मीद है जी आज आपको ये डिज़ाइन बनाना आसान लगा होगा और पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।